तो स्वामी जी, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछती हूँ कि मनुष्य जाति जो है ये विपदाओं से बहुत डरती है, मौत से बहुत डरती है, कठिन परिस्थितियों से बहुत डरती है, पर हम देखते हैं कि जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनमें ये फियर नहीं होता, ना उनमें मौत का फियर होता है, ना उनमें कठिन परिस्थितियों का फियर होता है। तो स्वामी जी, इसको क्या हम समझें कि जो प्राणियों का जो विकास क्रम है, इवोल्यूशन है, उसमें हमने प्रगति की है, क्या हमारा उसमें पतन हुआ है? महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। निश्चित रूप से हमने प्रगति की है। विकास क्रम में धीरे धीरे हमारा ब्रेन विकसित होता चला गया। आज से 1,00,000 साल पहले जो मनुष्य थे उनकी तुलना में आधुनिक मनुष्य के मस्तिष्क की साइज बड़ी हो गई। न केवल साइज और वजन बड़ा हुआ है, बल्कि नए फंक्शन शुरू हुए हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण फंक्शन है जो ब्रेन का प्रीफ्रंटल लोब होता है, उसमें अनुमान करने की शक्ति, कल्पना शक्ति उत्पन्न हुई। ये आज से करीब करीब 1,00,000 साल पहले तक नहीं थी। तो हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर भविष्य का एक अनुमान लगा सकते हैं जी। पिछले जो इवेंट्स हो गए हैं, हम एक ग्राफ खींच सकते हैं आगे भविष्य में कि अब क्या होगा जी। तो ये एक नई शक्ति है जो अन्य पशु पंक्षियों के पास, पेड़ पौधों के पास नहीं है। यहाँ तक कि हमारे जो पूर्वज हैं, बंदर, वन मानुष, उनके पास भी यह शक्ति नहीं है। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक नया फंक्शन मनुष्य के ब्रेन का जुड़ा। अब इसके दोनों चीजें हैं, ये सौभाग्य भी बन सकता है और दुर्भाग्य भी। यदि हम नेगेटिव चीजों की कल्पना करें जी, तो फिर हम चिंताग्रस्त हो जाएंगे, कुंठा में पड़ जाएंगे, अवसाद में पड़ सकते हैं, विक्षिप्त हो सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, भी फ्रस्ट्रेशन में पहुंच सकते हैं। ये उसका नेगेटिव पक्ष है, क्योंकि हम बुरे बुरे का अनुमान कर सकते हैं। इसका विपरीत भी सच है, हम अच्छाई का अनुमान कर सकते हैं, और जो हम उसको बढ़ा करके देखते हैं कि बहुत कुछ सुंदर संभव है, तब हम सृजनशील क्रिएटिव हो जाते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हमसे हो सकते हैं, हम भांति भांति कलाओं में निष्णात हो सकते हैं, हम जीवन के सकारात्मक पहलुओं को देख रहे हैं, उसका अनुमान लगा रहे हैं। इसी अनुमान लगाने वाली क्षमता की वजह से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि बुद्ध जैसी शांति और महावीर जैसा आनंद हमारे जीवन में घटित हो सकता है, हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। एक नई खोज, ध्यान की खोज शुरू हो गई। शाश्वत सत्य, अपनी सनातन आत्मा की खोज में हम निकल सकते हैं। कोई पशु पंछी यह नहीं कर सकता जी। तो मनुष्य की यह प्रगति है, पतन नहीं है, कि उसके भीतर अनुमान की क्षमता उत्पन्न हुई है। अब इस हम पे निर्भर है, हम उसको नेगेटिव दिशा में ले जाएं कि पॉजिटिव दिशा में ले जाएं। तो हम सृजनशील भी हो सकते हैं और विध्वंसक भी हो सकते हैं, दूसरों के साथ भी और आत्म विध्वंसक भी हो सकते हैं। ठीक है।